एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपकी बहुत बड़े असमंजस का हल लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह असमंजस है एनपीएस को लेकर। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि पीएफआरडीए अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वो सारे प्रश्नों के उत्तर जारी कर दिए हैं जो किसी सब्सक्राइबर के मन में चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जान लीजिए कि सब्सक्राइबर क्या होता है। सब्सक्राइबर का मतलब यह है कि वो सभी लोग जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस को लिया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका होता है टीयर वन, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनका होता है टीयर टू। जिन्होंने भी इसको ऑप्ट किया है, जिन्होंने भी इसको चुना है, वो इसके हैं सब्सक्राइबर। दोस्तों, पहले आपने आईआरडीए का नाम सुना होगा, जिसका हिंदी नाम था बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। उसको चेंज करके अब पीएफआरडीए कर दिया गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण। दोस्तों, भारत में जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं बीमा के क्षेत्र में उतरी हैं, वो सभी पेंशन के क्षेत्र में भी उतर गई हैं, और इन सभी का रेगुलेशन करने के लिए पीएफआरडीए बना दिया गया है, जो इन सभी पर ध्यान रखता है। तो दोस्तों, अगर आप एनपीएस धारक हैं या आप एनपीएस कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण एनपीएस से जुड़े सभी सवालों का जवाब दे दिया पीएफआरडीए ने। अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं। जाने कैसे? अगर दोस्तों आपको लगने लगा है कि आपने गलत तरीके से एनपीएस को चुन लिया है और अब आप एनपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका भी रास्ता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर एक से एक बेहद ज़रूरी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, जब कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है तो मैं हल्की फुल्की वीडियो डालता हूँ, अदरवाइज़ अपने चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचनाएँ लेकर आता हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि पीएफआरडीए ने क्या जारी किया है और किन किन प्रश्नों का उत्तर दिया है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह लेटर पैड है पीएफआरडीए का, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, आपके मन में भी एक प्रश्न चल रहा होगा। बहुत बार आप जब इंटरनेट पर जाते हैं, साइट पर जाते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ता है एफ ए क्यूज। आपने सोचा भी नहीं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, लेकिन यही सोच लीजिए ठहर करके, इसकी मीनिंग होती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में FAQs, एप्लीकेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर SG एंड स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज SABs। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न किसने पूछे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वो प्रश्न पूछे हैं स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, विभाग हैं, वहाँ से प्रश्न गया है। और स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज, यानी जो संघ शासित प्रदेश हैं, वहाँ से प्रश्न गया है। और इन प्रश्नों का उत्तर दिया है पीएफआरडीए ने 14 दिसंबर 2018 को। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2021 चल रहा है, हमें दिखा रहे हैं 14 दिसंबर 2018 का आदेश। लेकिन दोस्तों, पीएफआरडीए ने कोई आदेश किया है जिसके बारे में हमें सूचना मिल नहीं पाती है, तो हमें अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ डिस्क्लेमर भी सबसे पहले लगा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, इसकी मीनिंग आपको समझा देते हैं। डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है कि
कि अगर आप कोई सूचना दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, उस पर कोई क्लेम करता है, तो उसके पहले ही ये डिस्क्लेमर उसको शांत कर देता है। डिस्क्लेमर कह रहा है, फॉर डिटेल्ड प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस प्लीज रिफर PFRDA, एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से बाहर निकलने या फिर उसे अपनाने से संबंधित कोई भी नियम अगर आपको देखना है तो आप PFRDA से पूछिए, उसकी साइट पर जाइए, सारे नियम को पढ़िए। हल्के में आप नियम को मत लीजिए। रेगुलेशंस 2015 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स अंडर इट, जो नियम बने हैं 2015 में या फिर उसके बाद उसमें कुछ संशोधन हुआ है, उनके बारे में आप जानें। दोस्तों आइए हम प्रश्नों पर बात करते हैं। हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है। क्वेश्चन, राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी शिक्षक जो भी हैं उन्होंने पूछे हैं और आंसर दिया है PFRDA ने। यह वीडियो बहुत काम की होने वाली है दोस्तों, साथ ही इसका जो PDF है उसे आप आजीवन अपने साथ संभाल कर रखिएगा। अगर आपने NPS का वरण किया है, अर्थात आपने NPS को चुना है, चाहे आप सरकारी हो या प्राइवेट। सरकारी होंगे तो आप Tier 1 को चुने होंगे, प्राइवेट होंगे तो आप Tier 2 को चुने होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप घबराइए नहीं, मैं आपको होल सोल इसका जो है बता रहा हूँ कि इसमें क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जिट, अर्थात बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, NPS से बाहर निकलने का मतलब। एन एग्जिट इज डिफाइंड एज क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आप सरकारी सर्विस में नहीं हैं और आपने इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से NPS को चुना है अपने पैसे का निवेश करने के लिए, तो आपकी जब भी मर्जी हो तब आप उससे बाहर आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वेन कैन आई एग्जिट फ्रॉम NPS, अर्थात मैं NPS से बाहर कब निकल सकता हूँ, यानी NPS को कब मैं छोड़ सकता हूँ। तो आंसर क्या है, अ सब्सक्राइबर कैन एग्जिट फ्रॉम NPS एट एनी पॉइंट, बट कंप्लीट विड्रॉल इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्सक्राइबर किसी भी समय NPS से बाहर आ सकता है, लेकिन उसका पैसा जो वापस होगा, जिसे विड्रॉल कहते हैं, वो कुछ शर्तों के साथ वापस होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वेदर प्री मेच्योर एग्जिट, वेदर का मतलब क्या, प्री मेच्योर एग्जिट अर्थात अगर आपने 60 साल के लिए चुना है उसके पहले आप बाहर निकलना चाहते हैं, या 62 साल के लिए आपने चुना है उसके पहले आप बाहर निकलना चाहते हैं, अर्थात परिपक्वता अवधि के पहले अगर आप NPS छोड़ना चाहते हैं, तो ये प्रश्न उसी पर डिपेंड करता है कि वेदर प्री मेच्योर एग्जिट एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट आर सेम आर नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है परिपक्वता अवधि के पहले अगर आप इस अकाउंट को छोड़ना चाहते हैं, या आप जो है अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं और इस अकाउंट को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या दोनों का मतलब एक ही होता है या अलग अलग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का उत्तर है यस, हाँ। हाँ का मतलब दोनों का मतलब एक ही है। अंडर NPS बोथ आर सेम, NPS के अंतर्गत दोनों एक ही हैं। प्री मेच्योर एग्जिट इज डिफाइंड अंडर NPS एज एग्जिट बिफोर द सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज। प्री मेच्योर एग्जिट का मतलब ये होता है परिपक्वता अवधि के पहले, इसको छोड़ने का मतलब ये होता है, इसको ऐसे परिभाषित किया गया है कि आप जो है रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन
दोनों का मीनिंग एक ही है, रिटायरमेंट उम्र के पहले आप इसको छोड़ना चाहते हैं। अंडर एनपीएस वॉलंटरी रिटायरमेंट इज ट्रीटेड एज प्री मेच्योर एग्जिट। एनपीएस के अंतर्गत अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना इसी श्रेणी में आएगा। हाउएवर, तो भी एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आर डिफाइंड गवर्न्ड बाय सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है समय के पहले अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं, जिस संगठन के साथ हैं, जिस सरकार के साथ हैं, उसकी नियमावली को आपको फॉलो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपके सामने दिख रहा है, व्हाट शैल बी माई बेनिफिट्स, अर्थात मेरे लाभ क्या होंगे इफ आई ऑप्ट फॉर प्री मेच्योर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। यदि मैं समय की पहले एनपीएस से भाग लेता हूँ, अर्थात एनपीएस छोड़ देता हूँ, तो मेरे लाभ क्या होंगे। इस प्रश्न का उत्तर दिया है पीएफआरडीए ने, प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट दोनों एक ही बात है, अर्थात आप जो है परिपक्वता अवधि के पहले या फिर आप अपने इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, मिनिमम एनोटाइजेशन, अर्थात कम से कम जो एनोटी बनेगी, अर्थात आपकी वृत्तिक बनेगी। वृत्तिक का मतलब, एनोटी का मतलब ये होता है आपकी रेगुलर इनकम, जिस अमाउंट पर बनेगी वह अमाउंट होगा 80% ऑफ एक्युमुलेटेड वेल्थ, अर्थात आपके खाते में जितना जमा धनराशि है उसका 80% पर आपकी पेंशन बनेगी और 20% आपको नगद मिल जाएगा। इफ द एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर इज इक्वल टू और लेस देन 1 लाख रुपीज, अर्थात यदि सब्सक्राइबर की जो होल सोल इनकम है एनपीएस में, जितना पैसा जमा है वो 1 लाख रुपए है या 1 लाख की सीमा से कम है, तो ऐसे सब्सक्राइबर चाहे तो वो पूरी की पूरी धनराशि बाहर निकाल सकते हैं। अगला, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इन कैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर, अर्थात अगर सब्सक्राइबर जो है डिसेबल है, दिव्यांग है या अक्षम है, तो क्या होगा, वो भी वही कर सकता है। क्या कर सकता है, यानी 40% पैसा पेंशन के लिए लगा सकता है और 60% पैसा वो बाहर निकाल सकता है। और आगे ये भी कहा जा रहा है, अथॉरिटी हैज आल्सो नोटिफाइड रेगुलेशन अंडर पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस थर्ड अमेंडमेंट टू 2018 फॉर फैसिलिटेटिंग नॉर्मल एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टू सब्सक्राइबर विथ डिसेबिलिटी एंड इन कैपेसिटेशन ड्यूरिंग द एक्युमुलेशन फेज इफ एम्प्लॉयर सर्टिफाइज दैट द सब्सक्राइबर हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कंसर्न ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं या अक्षम हैं, और आपकी कंपनी, आपका संगठन, आपकी सरकार अगर वो चाहती है कि आपको छुट्टी दे दे, आपके ऊपर मर्सी करके, दया करके, आपकी डिसेबिलिटी पर, आपकी अक्षमता पर अगर वो चाहे तो आपको वो रिटायर कर सकती है। अगर वो ऐसा कर देगी तो एनपीएस भी आपके साथ है, अर्थात 60% आपका अमाउंट वापस हो जाएगा और 40% पेंशन में लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट शैल बी माई बेनिफिट, अर्थात मेरा लाभ क्या होगा
इफ आई रिटायर सुपर एनुएटेड फ्रॉम एनपीएस, अर्थात मैं निर्धारित अवधि पर यानी 60 वर्ष या 62 वर्ष पर रिटायरमेंट लेता हूँ तो मेरा लाभ क्या होगा। अब यहाँ देखिए, रिटायरमेंट सुपर एनुएशन मिनिमम एनुटाइजेशन 40% ऑफ एकमुलेटेड वेल्थ, अर्थात आपके पास जितनी धनराशि इकट्ठा हुई है उसका 40% का पेंशन बनेगा। मैक्सिमम लमसम विड्रॉल 60% ऑफ एकमुलेटेड वेल्थ, और जितना आपके पास पेंशन धनराशि का 60% आपको वापस नगद मिल जाएगा। द सब्सक्राइबर मे चूज टू परचेज एन एनुटी फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन 40% ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि हमें 60% अमाउंट नहीं चाहिए, अर्थात जो पैसा आपको मिल रहा है वो नहीं चाहिए, आपको लगता है कि हमें पेंशन चाहिए, तो जो 40% पेंशन में लग रहा है आप उसे बढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी आए उतने रुपए की पेंशन खरीद लीजिए और वो पेंशन आपको मिलती रहेगी। इफ द अकमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर इज इक्वल टू और लेस देन 2 लाख रुपीस, अर्थात सब्सक्राइबर की जो धनराशि है ये 2 लाख या 2 लाख से कम है, आर आर लिमिट टू बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी, या फिर आपके प्राधिकरण ने जो सीमा निर्धारित कर दी है उस अमाउंट या उससे कम है, सच सब्सक्राइबर शैल हैव टू ऑप्शन टू विदड्रॉ द इंटायर अकमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट परचेजिंग एन एनुटी। ऐसे व्यक्ति बिना किसी पेंशन को खरीदे हुए चाहे तो पूरा का पूरा धन अपना वापस ले सकते हैं। ये ऊपर भी बताया गया है कि अगर आप 1 लाख रुपए या उससे कम आपके खाते में जमा है, 2 लाख रुपए या उससे कम आपके खाते में जमा है, आप पूरा का पूरा धन वापस ले सकते हैं। दोस्तों, यह पीडीएफ बहुत लंबा है, इसको पढ़कर बताना, आपको समझा पाना एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसका वीडियो आपको बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि एनपीएस लेना है कि नहीं लेना है, लेने में क्या फ़ायदा है, ना लेने में क्या नुकसान है, यह सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए कीमती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही बता पा रहा हूँ, कल मैं आपको सारी बातें एक एक बातें क्लियर करूँगा, और यह पीडीएफ इतना लंबा है कि इसको सारी बातें बताने के लिए आपके लिए 2-3 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप चैनल पर बने रहिए और इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।